हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। और मैं आ गई हूँ लाल किला चांदनी चौक, यानी कि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मिर्जा गालिब की हवेली। तो चलते हैं यहाँ से गलियों से निकलते हुए मिर्जा गालिब की हवेली और बताती हूँ उसकी हिस्ट्री के बारे में और दिखाती हूँ आपको मिर्जा गालिब की हवेली। मैं आ गई हूँ मिर्जा गालिब की हवेली, और जैसे कि सभी जानते हैं मिर्जा गालिब के शेरो शायरी के कौन दीवाने नहीं है। सभी उनके शेरों को इतना पसंद करते हैं और सभी उनकी शायरी को भी बहुत पसंद करते हैं, जिसमें से मेरी भी एक फेवरेट शेर है, ये इश्क नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। के महान शायरों में से सबसे पहले मिर्जा गालिब का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका असली नाम मिर्जा असद उल्लाह खां भी था और उनका जो जन्म था वो आगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कहा जाए कि गालिब इश्क को जीते थे तो इसमें कोई झूठ नहीं है, और आज भी उनके हर एक शेर गज़ल नज़में एक जिंदा दिल इश्क को जीते हैं। आज भी यहाँ पर लिखी हुई उनकी शेर व शायरी उनके होने का एहसास दिलाती हैं, और आप यहाँ पर उनके लिखे हुए कलाम पढ़ सकते हैं। गालिब की शेर व शायरी को बहुत तवज्जो दी है, और बहुत बड़े बड़े फनकार, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने भी गालिब की जो नज़में गज़लें हैं उन्हें गाया है। साल पुरानी ये हवेली मिर्ज़ा गालिब को उनके ही एक हकीम ने गिफ्ट करी थी, और यहाँ पर गालिब ने अपनी ज़िंदगी के बेस्ट गज़लें और बेस्ट मुशायरे यहाँ पर किए हैं। हर रोज़ हर शाम यहाँ पर उनकी गज़लों की शामें सजा करती थी। दरो दीवार पे लिखे हुए शेर व शायर आपके दिल को छू जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि गालिब कितने बड़े शायर थे। 500 गज की हवेली में से कुछ ही हिस्सा गालिब की ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे रखा हुआ उनका हर सामान, हर चीज़, हर किताबें उनकी ज़िंदगी को बयां करता है और हमें उनकी याद दिलाता है। गालिब की हवेली मैंने आपको दिखा दी है, और ये वीडियो, ये हवेली कैसी लगी कैसे नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।